एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन के बारे में। तो हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, वो मुझे भी जानती हैं, मैं उन्हें भी जानती हूँ। उस टाइम से जब मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, उस टाइम से जानते हैं। और काफ़ी दिन हो गए जब उनका जो है चैनल मोनोटाइज ही हुआ था नया, मतलब उनके पिछले बर्थडे के टाइम से जानती हूँ मैं उनको। और इस बार का जो है बर्थडे निकल गया तो 1 साल हो गया है मुझे उनको जानते। और फिर हमारी बात भी होती थी कभी कभी, जैसे जब कभी हुआ कुछ भी तो बात भी हम लोगों की होती थी, ऐसा नहीं थी कि बात नहीं होती थी। और सॉरी मुझे खांसी आ रही है तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने दही खा ली इसलिए मुझे खांसी आ रही है। और तो इस तरीके से मैं काफ़ी टाइम से उनको जानती हूँ, वो भी मुझे जानती हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी उनके हस्बैंड नहीं हैं तो उनके व्यू आने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके व्यू पहले भी काफ़ी अच्छे आते थे, अभी भी अच्छे आते हैं। आप लोग जाके पिछले 1 साल 1.5 साल से उनके वीडियो देख सकते हैं, उस पर उनके व्यू अच्छे खासे आते थे और वो अच्छे खासे अर्निंग कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि उनकी अभी से कुछ इतने अच्छे व्यू आने लगे हैं। पहले भी मैंने उनके ऊपर 1-2 वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, मतलब उनके सपोर्ट में बनाई हुई हैं, क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड है इसलिए। तो अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, मतलब कि उनको लोग जो है उल्टा सीधा कमेंट आके करते हैं। तो जो लोग उनसे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि उनकी और उनके हस्बैंड की लाइफ कैसी थी, कितने जो लोग वो लोग जो है अच्छी तरीके से रहते थे। और वो दीपक भैया उनको कितनी फैसिलिटी रख देते थे, एकदम रानी बना के रखते थे, जो वो बोलती थी वो करते थे, हर तरीके से खुश थे वो दोनों। उनका एक छोटा सा बच्चा वो भी बहुत खुश था। और उनके वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि वो लोग उनकी कितनी हैप्पी फैमिली थी और बहुत अच्छे से रहते थे। तो मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, काफ़ी अच्छे से रहते थे। बस अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई और फिर जो है सारा कुछ हो गया, 3 महीने में ही सारा कुछ हो गया। उन्होंने पूरी तरीके से दवाई वगैरह करवाई, यहाँ ले गई वहाँ ले गई, नानी के यहाँ ले गई, हर जगह ले गई, जिसने जहाँ बोला वहाँ ले के दौड़ती भागती रही। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो काफ़ी जगह ले के गई, जिसने जितना हॉस्पिटल में जो कुछ था सारा बेच उठ दिया, कर्जा ले के भी वो कर लिया, मतलब अपने हस्बैंड की दवाई करवाई। उसी बीच जो है उनकी दादी की भी एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो छत से गिर गई, जाल से गिर गई थी, तो उनकी भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी। और भैया नहीं करते थे तो फिर एक वो ही जॉब करते थे, फिर उनकी जॉब भी बंद हो गई, तो इनकी यूट्यूब की उससे ही अर्निंग होती थी उनकी और थोड़ा बहुत कुछ। और तो दादी की, फिर दादी का भी इलाज करवाना था इन लोगों को। ऐसे में उनके इन-लॉज ने किसी ने भी साथ नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है नहीं दिया कोई बात नहीं। बट आजकल उनको क्या हो रहा है, लोग गंदे आके कमेंट करते हैं कि बच्चलन हो और बच्चलन बहू अपने पति को खा गई, यूट्यूब पे आके ही रोना धोना करना होता है, अपने पति को खा गई, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया भर की बातें करते हैं। तो जिनको नहीं पता है, क्योंकि उन जिसने अपना बेटा खोया है उनके पास तो और बेटे हैं, वो उसमें भी खुश हो लेंगी, पर उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ ही खो दी है, तो वो किसके भरोसे खुश रह लेंगे। फिर भी वो अपने बच्चे को देख के खुश हैं अच्छी तरीके से और खुश रहने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो यूट्यूब पे वीडियो बना के हम लोगों के सामने खुश रह लेती हैं और अगर हम लोगों के सामने वो रो के अपना दुख हल्का कर लेती हैं, उनके मन का दुख हल्का हो जाता है, क्योंकि दादी उनकी बीमार है, उनके सामने वो रो नहीं सकती हैं, मम्मा उनकी हैं नहीं, बाहर हैं, तो किसके सामने रोएंगी, बच्चा छोटा है रोएंगी तो भी 50 टेंशन, वो भी साथ में रोने बैठ जाएगा। तो बच्चे को भी देखना है, दादी को भी देखना है, तो अगर यूट्यूब पे हम लोगों के सामने रो लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, अपना दुख ही तो हल्का करती हैं। उसमें भी लोग बोलते हैं नेगेटिविटी फैला रही है, इसमें क्या नेगेटिविटी है, मुझे समझ में नहीं आता लोगों की मानसिकता मुझे समझ में नहीं आती। जब अपने ऊपर कुछ होता है तो फिर कुछ ऐसे बोलते हैं, दूसरे के ऊपर कुछ होता है तो कुछ और बोलते हैं, और
पता नहीं, कुछ दिन पहले अभी एक दादी आई थी तो बोल रही थी तू झाड़ू पोछा का काम पकड़ ले, ऐसा कर ले वैसा कर ले, बर्तन वाले कर ले। तो क्यों कर ले, वो कर लेंगी, अपनी पैरों पे खड़ी हो रही हैं, कोशिश कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, अच्छे खास अच्छे तरीके से खुद को संभालने की कोशिश कर रही हैं। तो क्यों लोग परेशान करते हैं, नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि उनको परेशान ना करें, अपनी लाइफ में जैसे भी है वो खुश है, रहने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको आगे पढ़ने दें कृपा करके। और चलिए फिर, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। इतना ही मुझे बोलना था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चलन बहु फालतू उनका इशारा कुछ मत बोलो उनको, और दुखी है और ज़्यादा दुखी मत करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।